तो उस पास में मेरा नाम है, मैं जितवारपुर मधुबनी जिला है बिहार में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं मधुबनी पेंटिंग का कलाकार हूँ। मैं अपने घर में ये चीज़ काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ कि मधुबनी शैली बनता है। मेरे घर में तो ये ट्रेडिशनल ही चलता आ रहा है, शायद हमारे दादा दादी से उनसे भी पहले था ये काम। मैंने अपने दादा दादी को भी देखा, मम्मी पापा को भी देखा और आज मैं भी इस काम में इन्वॉल्व हूँ। जैसे मधुबनी पेंटिंग हम लोग बनाते हैं, हमारे घर में सब लोग बनाते हैं, उस तरीके से ये पेंटिंग दूसरे लोगों को भी बनाना चाहिए। इसलिए कि मधुबनी पेंटिंग रिलेटिव है ग्रंथों के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत और नेचर से रिलेटिव होती है पेंटिंग्स। तो जैसे रामायण का एक भाग है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब शांति के लिए वो बनाया जाता है, जो ऐसा माना जाता है कि कल्प वृक्ष के अंदर फैमिली को थोड़ा सुकून मिलता है, मतलब शांति मिलता है। और अगर आज के दौर में हम देख रहे हैं कि टाइम की तो बहुत ही कम वो मिल पाता है ना, काम के माध्यम से बहुत ही कम समय निकाल पाते लोग, तो वो उन ग्रंथों को जो जानकारी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो सांस्कृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को वो मतलब हमारे पेंटिंग के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। और जैसे लोगों को इस शैली के अंदर मधुबनी पेंटिंग के अंदर देखने से ही पता लग जाएगा, अगर उनके पास पढ़ने का समय नहीं है तो देख के भी पता लग सकता है कि नेचर से हमें नेचर किस क्यों इतना हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए नेचर क्यों इतना खास है। एक दिन का वर्कशॉप के अंदर अगर आप हमारे पास आके सीखते हैं तो मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही बारीक से हम उनको आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, कैसे बनता है, नहीं बनता है, सब जानकारी आपको एक दिन के अंदर इस तरीके से बता देंगे, ताकि आप जो उस टाइम हम बताएंगे वो चीज़ आप घर में भी जाके बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ये बता सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग ऐसे होता है, इसकी ये खासियत है, ये इसलिए ज़रूरी है हमारे पास रखना, ये इसलिए ज़रूरी है हमारे धरोहर को जिंदा रखना, ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक है, इसको इसी तरीके से हमें बचा के रखना होगा और आगे भी इस काम को हमें दूसरे तक पहुँचाना होगा।